Hello everyone. In this class, we will continue our exercise 6.3, which is based on lines and angles. Three questions of this exercise we have already solved, and only three questions were remaining: question number 4th, 5th, and 6th, which are I am solving in this lecture. So the given 4th question is: a structure is given. This is like this, and the name of vertices are P, Q, R, T, S, T. Clear? And in this structure, some things are given: P, Q, and R, S intersecting at the point T such that angle PRT, this is angle of 40 degree. Angle RPT, angle RPT is 95 degree. Angle TSQ is 75 degree. And last क्या बच गया आपके पास? SQT, ये हमें find out करना है. ठीक है, यहाँ तक सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा. देखो, सबसे पहले अपन इन दोनों को ऐड करेंगे. ये वैल्यू मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, रैपिडली एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना. ये एंगल कितना होगा? 135. यदि ये 135 है तो ये भी कितना हो गया? 135 थोड़ी ना होगा. इन दोनों का सम ये 135 होगा, या फिर इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दो. ये 135 हुआ, 180 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 45. क्लियर है बात यहाँ तक? ये 45 आया तो ये भी कितना हुआ? 45, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल. इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 120, और ये एंगल कितना आ जाएगा? 60 degree. तो आपको क्या क्या करना है? पहले ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंड देन इट इज इक्वल टू दिस वन, एंड देन सम ऑफ दिस बोथ, एंड डिफरेंस ऑफ दिस बोथ विल बी इक्वल टू दिस वन. सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस 180 में से करना है. इन दोनों का ऐड करेंगे, फिर 180 में से माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा. अब चलिए मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि हमें दे रखा है. इन द गिवन स्ट्रक्चर, ए स्ट्रक्चर इज गिवन विच इज लाइक दिस. P, Q, R, S, and this is T. In the given structure, P, Q and P, S both are perpendicular to each other. ये दोनों क्या है? Perpendicular है. And then angle SQR is 28. SQR, which is 28 degree. After it, angle QRT. QRT is 65. Then what will be the value of arcs? ये तो आपका है y, और x कहाँ रह गया? ये y है और ये हो गया x. हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, चलिए अब देखो, ये परपेंडिकुलर है. और भी कोई कंडीशन दे रखी हो तो? शायद नहीं, हमें इतना ही सब कुछ दिया हुआ है. मैं चलो इस एंगल को z कंसिडर कर लेता हूँ. तो हमें ये पता है इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा. ठीक है, तो एंगल Z प्लस एंगल 28 डिग्री इज इक्वल टू 65. देन एंगल Z किसके इक्वल होगा? 65 माइनस 28 इज इक्वल टू 37. वॉट इट? तो ये Z तो कितना आ गया? 37 डिग्री. ये बात समझ में आई होगी. और कहीं कोई बाइसेक्टर वगैरह वगैरह, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, एंड पी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, ये दे रखा है पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर, दो वैल्यूज दे रखी है, एक एस आर के परपेंडिकुलर भी कुछ है. अच्छा, ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री का. ठीक है,
तो ये 90 डिग्री का हुआ, तो y कितना आएगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल, y प्लस 37 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 37 इज इक्वल्स टू 53, ये एंगल कितना आ गया 53 डिग्री। क्लियर है बात यहाँ तक, और इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा, तो 90 प्लस 53 ये कितना आएगा 143, इसको 180 में से माइनस करेंगे 143, तो ये आएगा 37 डिग्री। तो ये तो वैल्यू हो गई अक्स की, और ये वैल्यू हो गई आपके वाई की। क्लियर है, और बेसिकली अपन कहें तो ये वैसे भी इक्वल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी ये दोनों लाइन, तो ये एंगल, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, रीजन क्या रहेगा इनका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और थोड़ा सा यूँ मान लो पजल्ड भी रहेगा। तो करते स्टार्ट, गिवन क्वेश्चन इज, स्ट्रक्चर इज गिवन, ये बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, पी क्यू आर, दिस इज पॉइंट एस एंड दिस इज द पॉइंट टी, साइड क्यू आर, साइड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट एस, एस तक प्रोड्यूस किया गया, ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्यू टी हुआ, एंड द बाइसेक्टर ऑफ पी आर एस जो कि हुआ आर टी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट टी, देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, या फिर डायरेक्टली करेंगे टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ऐसे हमें ये प्रूव करना है। तो मैं देखो इसको, ये एंगल पी हुआ, ये एंगल टी हुआ, इसको वन बोल देता हूँ और ये एंगल टू हो गया, दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर है। सिमिलरली ये थ्री बोल देता हूँ, ये फोर हो गया और ये फाइव हो गया, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है यहाँ तक, अब हमें इसके प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ ध्यान से समझना, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल फोर प्लस एंगल फाइव, बात समझ में आई होगी। देखो सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये एंगल अपने आप में क्यू है, लेकिन क्यू का मतलब हुआ वन प्लस टू, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल जो कि 4 प्लस 5 होगा, बात समझ में आई। ऐसे ड्रॉ किया मैंने, ये वाला हो गया P, ये हो गया 1 प्लस 2 और ये हो गया 4 प्लस 5, क्लियर है। अब 1 और 2 इक्वल है, तो 1 की जगह मैं 2 मेंशन कर सकता हूँ, एंगल P प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 को भी एंगल 4 में ही, सॉरी 4 को 5, 4 की जगह 5 कर लो, कैसे भी कर सकते हो, आपको जो दिल करे 4 भी यूज कर सकते हो, एंगल P प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2, ये 5 था ना यहाँ पे पहले से, ये 5, 2 एंगल 5, क्लियर बात यहाँ तक। अब चलो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में आओ, अगेन इन ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर में देखो, इसका और इसका सम इसके इक्वल, किस टाइप से, ये तो हुआ T, ये हुआ 2 और ये हो गया आपका 5, तो एंगल T प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऑन अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन एंगल 5 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन एंड सेकेंड, एंगल टी वहाँ से देखेंगे, पहले तो ये एज इट इज कर लेते हैं, एंगल पी प्लस टू एंगल टू इज इक्वल्स टू ऑफ एंगल फाइव विच इज इक्वल्स टू एंगल टी प्लस एंगल टू, क्लियर। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करें, एंगल पी प्लस टू ऑफ एंगल टू इज इक्वल्स टू टू एंगल टी प्लस टू एंगल टू, आई मल्टीप्लाइड दिस बोथ बाई टू,
2 angle 2 cancel by this one. So the result is twice of angle T. First of all, I am writing this one is equals to angle P. और इसको लिख सकते हैं एंगल टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी. एंगल टी का क्या मतलब हुआ, टी इज एंगल क्यू टी आर. एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी इज एंगल क्यू पी आर. एंगल क्यू पी आर अपॉन टू, दैट्स वी हैव टू प्रूव. हेंस तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 6.3. कल अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ये थ्योरम है तो थ्योरम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर देन आफ्टर इट वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 6.4. सो बिफोर इट पोस्ट द वीडियो एंड नोट इट डाउन.